हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स इन C++ के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर हम क्यों यूज़ करते हैं और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू कंपेयर टू वैल्यू और वेरिएबल्स। मतलब जब भी हमको दो वैल्यू या दो वेरिएबल को कंपेयर कराना होगा तो हम कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सबसे पहला है इक्वल टू। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए एंड बी। ए के अंदर भी कुछ वैल्यू स्टोर है और बी के अंदर भी कुछ वैल्यू स्टोर है, और हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्या ए वेरिएबल इक्वल टू है बी वेरिएबल के। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा 1। मतलब आप हमेशा ये बात याद रखें, जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो उसका आउटपुट होगा 1, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उसका आउटपुट होगा 0। ऐसे ही नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा नॉट इक्वल टू। यहाँ पर भी हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए एंड बी। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या हमारा ए वेरिएबल नॉट इक्वल टू है बी के। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा 1, अदरवाइज डिस्प्ले होगा 0। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा ग्रेटर देन। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या हमारा ए वेरिएबल बड़ा है बी वेरिएबल से। अगर यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा 1, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो डिस्प्ले होगा 0। उसी तरह हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन। मतलब हम यहाँ चेक करेंगे क्या हमारा ए वेरिएबल छोटा है बी वेरिएबल से, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो डिस्प्ले होगा 1, वरना डिस्प्ले हो जाएगा 0। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू। वही हमारे पास ए और बी दो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर हमारा ए वेरिएबल या तो ग्रेटर देन है बी से या फिर इक्वल टू है बी से। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा 1, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा 0। उसके बाद है हमारा लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे भी हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए एंड बी। अगर ए वेरिएबल हमारा छोटा या बराबर है बी वेरिएबल से तो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा 1, वरना डिस्प्ले हो जाएगा 0। तो चलिए अब हम इन सारे ऑपरेटर्स को प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं टर्बो सी में। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं टर्बो सी में। प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है, हमें यहाँ बस कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज करना है। जैसा कि आपको प्रोग्राम में दिख रहा है, हमारे पास दो वेरिएबल हैं इंट ए और इंट बी, जिसके अंदर हमने 5 और 10 वैल्यू स्टोर कराई है। तो चलिए इसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर का इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं, देन फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। देन अब हम इसको कंपाइल करते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। जैसा कि आपको आउटपुट स्क्रीन पर 0 दिख रहा है, मतलब जो आउटपुट है वो फॉल्स है, क्योंकि हमने इंट ए वेरिएबल के अंदर 5 वैल्यू स्टोर कराई है और इंट बी के अंदर 10 वैल्यू स्टोर कराई है, फिर हमने इक्वल टू ऑपरेटर का साइन लगाया है, तो इसने आउटपुट में जो है फॉल्स दे दिया है, क्योंकि ए और बी जो है इक्वल टू नहीं है। तो चलो अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर नॉट इक्वल टू लगाते हैं। देन अब हम इसको रन करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको आउटपुट स्क्रीन में 1 दिख रहा है, मतलब जो कंडीशन है वो ट्रू है, क्योंकि ए वेरिएबल बी वेरिएबल के इक्वल नहीं है, और हमने कंडीशन भी यही दी है ए नॉट इक्वल टू बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें आउटपुट 1 आ जाए, वरना आउटपुट 0 आ जाए। अगर यहीं पे हमारा बी जो 5 होता तो इसका आंसर जो आता 0 आता, मतलब कंडीशन जो है वो फॉल्स आती। ये तो हुई नॉट इक्वल टू की बात। तो चलो अब हम ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाते हैं नॉट इक्वल टू की जगह। देन अब हम इसको रन करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको आउटपुट स्क्रीन पर 0 दिख रहा है, मतलब हमारी कंडीशन जो है फॉल्स है, क्योंकि हमारा ए वेरिएबल छोटा है बी वेरिएबल से। तो चलो अब हम ग्रेटर देन ऑपरेटर की जगह लेस देन ऑपरेटर लगाते हैं, देन फिर इसको रन करते हैं।
सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको आउटपुट स्क्रीन पर 1 दिख रहा है, मतलब जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू है, क्योंकि हमारा ए वेरिएबल लेस देन है बी वेरिएबल से, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा बी वेरिएबल बड़ा है ए वेरिएबल से। तो चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये जो कंडीशन है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अगर हमारा ए वेरिएबल बड़ा या फिर इक्वल टू होगा बी वेरिएबल के, तो कंडीशन ट्रू हो जाए। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब आउटपुट में जो है वो 1 आ जाए, वरना 0 आ जाए। तो चलिए अब हम इसको रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको आउटपुट स्क्रीन पर 0 दिख रहा है, मतलब जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है, मतलब हमारा ए वेरिएबल ना तो ग्रेटर देन है बी के, ना ही इक्वल टू है बी वेरिएबल के। सो इसीलिए ये कंडीशन बिल्कुल फॉल्स हो गई है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, देन अब हम इसको रन करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको आउटपुट स्क्रीन पर 1 दिख रहा है, मतलब हमारी कंडीशन जो है वो बिल्कुल ट्रू है। हमने कंडीशन क्या दी थी, ए लेस देन इक्वल टू बी, मतलब हमारा ए वेरिएबल या तो लेस देन या फिर इक्वल टू होता है बी वेरिएबल के, तो हमें आउटपुट में ट्रू आ जाए, वरना आउटपुट फॉल्स आ जाए। सो यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल ट्रू थी, तो इसलिए आउटपुट में 1 आ गया। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा लास्ट ऑपरेटर, जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। फ्रेंड्स, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल या वैल्यूज़ के बीच में लॉजिक फाइंड करने के लिए करते हैं, और ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो अब हम इसके एग्जांपल की बात करें, तो जैसे लॉजिकल एंड है, जिसको हम डिनोट करते हैं एम्परसेंट और एम्परसेंट साइन से। एंड फ्रेंड्स, लॉजिकल एंड में ना, अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही हमें आंसर ट्रू मिलेगा, मतलब अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट में 1 आ जाएगा, एंड अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो आउटपुट में 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल और। अब इसमें क्या होता है, अगर हमारी कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होती है ना, तो इसका आउटपुट ट्रू हो जाता है, मतलब अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई और सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आपको ये आंसर ट्रू ही देगा, मतलब आंसर में आपको 1 प्रिंट करके दे देगा। बट लॉजिकल एंड में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी आपको आंसर में ट्रू मिलेगा। लास्ट ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल नॉट। अब इसमें क्या होता है, ये ना रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, मतलब इसमें जो भी आपका आंसर होगा ना, ये उसका उल्टा आंसर कर देगा, मतलब अगर आपका आंसर फॉल्स आएगा तो ये उसे ट्रू रिजल्ट दिखा देगा, जैसा कि लिखा भी है, रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। तो चलिए अब हम इन्हें प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको प्रोग्राम में दिख रहा है, इंट ए नाम का वेरिएबल है, जिसके अंदर हमने 10 वैल्यू स्टोर करवाई है, देन हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया है, और 2 कंडीशन दी हैं कि अगर ए वेरिएबल बड़ा होता है 5 से एंड ए वेरिएबल छोटा होता है 20 से, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट में आएगा 1, अगर फॉल्स होगी तो आउटपुट में आएगा 0। तो चलिए अब इसको हम रन करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको आउटपुट स्क्रीन पर 1 दिख रहा है, मतलब दोनों कंडीशन हमारी बिल्कुल ट्रू थी। तो फ्रेंड्स, चलो अब हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर की जगह लॉजिकल और ऑपरेटर लगाते हैं। लॉजिकल और ऑपरेटर की खास बात यह है कि अगर दोनों या फिर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू आएगा, मतलब 1 आएगा, वरना आउटपुट फॉल्स आएगा, मतलब 0। चलो अब हम थोड़ा कंडीशन में भी चेंज करते हैं, 20 की जगह हम लिखते हैं 8। तो चलो अब हम इसको रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो जैसा कि आउटपुट आया है 1, मतलब कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। कंडीशन क्या थी हमारी, तो हमने कंडीशन क्या दी थी कि अगर ए वेरिएबल बड़ा हो 5 से और ए वेरिएबल अगर छोटा हो 8 से, अगर ये दोनों कंडीशन या फिर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू आ जाए, वरना आउटपुट फॉल्स आ जाए। तो फ्रेंड, जैसा कि हमारा आउटपुट आया था 1, मतलब हमारी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है,
क्योंकि यहाँ पे हमारा a वेरिएबल बड़ा है 5 से और 8 से भी, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, तो और ऑपरेटर सेकंड कंडीशन नहीं देखेगा। और ऑपरेटर चेक करता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो मैं उसका आउटपुट ट्रू में दे दूंगा, और अगर दोनों ही फॉल्स होती तो आउटपुट फॉल्स आता। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लास्ट ऑपरेटर लॉजिकल नॉट देखते हैं। सो फ्रेंड्स लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को समझने के लिए इस प्रोग्राम को और सिंपल बनाते हैं थोड़ा। सो हम क्या करते हैं, ये इंट वाली लाइन रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे कंडीशन भी दूसरी देते हैं। सपोज डैट यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं 10 इज ग्रेटर देन 20 ब्रैकेट बंद एंड सेमी कॉलन। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दी, 10 इज ग्रेटर देन 20। एज यू नो इसका आंसर फॉल्स आएगा, मतलब जीरो आएगा, और इसी के आगे अगर हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगा दें सो आपका आउटपुट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर आपके आउटपुट को रिवर्स कर देता है, मतलब अगर आपका आउटपुट फॉल्स होगा तो वो ट्रू दिखा देगा, अगर आपका ट्रू होगा तो वो फॉल्स दिखा देगा। तो चलिए यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं जो कि ब्रैकेट से भी पहले लगेगा। चलिए अब इसको हम रन करते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड फ्रेंड्स अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से लॉगिन करके किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।